सभी देख सकते हैं मेरे सामने है यामा की ऑल न्यू FZ-S V3 जो कि डीलक्स एडिशन में है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सॉलिड ग्रे और ब्लैक कलर को कवर किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी ने इसमें डीलक्स एडिशन में 3 कलर को लॉन्च किया है जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। एक ब्लैक कलर है, एक रेड कलर है और एक है ग्रे कलर जो कि यहाँ पर अभी नहीं है, बट इससे पहले वाले वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो ग्रे कलर भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके वो चीज़ें देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीज़ों कलर के बारे में बताने वाला हूँ, वर्क अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसके बारे में, शायद हो सकता है यूट्यूब पे मैं पहला बंदा हूँ जो इस कलर को वर्क अराउंड रिव्यू कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा। हो सकता है पहले भी आया हो बट मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो आज की इस वीडियो में पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी हेडलैम्प, आप एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पायलट हेलोजिन लैंप देखने को मिलेगा, तो इसको हम एक बार ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेलोजिन का बल्ब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एलईडी देखने में मिलता है। ये लो बीम में है और यहाँ से हम इसको करते हैं तो ये हाई बीम का लाइट हो जाता है। और इंडिकेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको येलो कलर का हेलोजिन बल्ब देखने को मिलता है दोनों साइड में। तो यहाँ पे भी मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है कंपनी ने ऑप्शनल दिया है, यहाँ पे आप एलईडी वाला भी इंडिकेटर लगवा सकते हैं, ऑप्शनल है ये। आप शोरूम से बोलेंगे, शोरूम वाले लगा देंगे, इसके लिए कोई भी आपका पैसा वगैरह चार्ज नहीं किया जाएगा, ये ऑप्शनल है। मतलब दोनों कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर आपको ये रखना है तो आप ये रख सकते हैं, अगर आपको एलईडी फ्लैशर लगाना है तो वो भी लगवा सकते हैं, शोरूम वाले लगवा के दे देंगे, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया फ्रंट का। अब फ्रंट में मतलब हेडलाइट में कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा जो कि ऑप्शनल रखा गया है, एलईडी लगवा सकते हैं। ये आपका नंबर प्लेट के लिए हो जाता है और यहाँ पे आपको यामा का स्टिकर देखने को मिल जाता है लोगों। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है फ्रंट फेंडर, और प्लास्टिक का ये चीज़ें देखने को मिलता है। और इससे पहले यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको रेड कलर का ये हेडलाइट में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, रेड और ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। दोनों साइड में आपको सेम चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और इस साइड में चले तो यहाँ पे आपको ABS लिखा हुआ देखने को मिलता है और यहाँ पर यामा लिखा हुआ देखने को मिलता है, दोनों आपको स्टिकर में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो बड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि है एलॉय व्हील में, गोल्डन कलर का एलॉय व्हील दिया गया है। साथ ही अगर यहाँ देखें तो आपको डुअल डिस्क के साथ फ्रंट में सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक ऑफर की जाती है। टायर साइजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 180/17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और C8 जूम प्लस का आपको टायर देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है। और इस साइड में चले तो इस साइड में भी आपको यामा का स्टिकर और यामा का ABS का स्टिकर और यामा का स्टिकर लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये फ्रंट का आई थिंक कवर हो गया है हमारा। यहाँ सामने से देखेंगे तो ये आपको क्रोम फिनिशिंग में ये दिया गया है पेट्रोल टैंक, जो कि पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही रखा गया है। 13 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। और ये आपका हो जाता है साइड व्यू मिरर, जो कि इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का हो जाता है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यामा ये जो है यामा का आपको लोगो देखने को मिलता है और रेड कलर का आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गोल्डन कलर का आपको FZ-S 3D में लिखा हुआ देखने को मिलता है, वर्सन 3.0 ये आपको स्टिकर में देखने को मिलता है गोल्डन ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। तो देखने में काफ़ी इसको खूबसूरत बनाया गया है। और इस साइड में यहाँ से आपको एक बार मैं हॉर्न भी दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको नीचे साइड में चले तो आपको ये प्लास्टिक में आपको इंजन काउल जो की है देखने को मिल जाता है। और इस साइड में भी आपको FZ-S V3.0 देखने को मिल जाता है, FZ-S जो है 3D में दिया गया है गोल्डन कलर में, ये आपको स्टिकर में देखने को मिलता है। इस साइड भी आपको यामा का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और इस साइड आ जाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको की मिलता है पेट्रोल टैंक के ऊपर ही आपको की का देखने को मिल जाता है लोग, तो दो की आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम कंसोल मीटर को ऑन करते हैं, तो बाइक को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कंसोल में यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट देखने को मिल जाता है, इंजन का लाइट, यहाँ पे फ्यूल टैंक, यहाँ पे RPM, ट्रिप,
यहाँ पे किलोमीटर और ये सारे कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपको ABS का लाइट देखने को मिल जाता है, ये इंडिकेटर का ये। तो अभी हम इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। और हाई बीम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई बीम का देखने को मिल जाता है, और यहीं पे आपको पास वगैरह देखने को मिलता है। तो ये आपका फ्रंट से कुछ इस तरीके के हैंडल बार देखने को मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार इसका होता है सिंगल वाला यामा का। और यहाँ पे चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई बीम लो बीम, लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हाई बीम लो बीम और पास का स्विच देखने को मिल जाता है। इसको प्रेस करेंगे पास हो जाएगा, और यहाँ से चले तो ये इंडिकेटर का आपका हो जाता है, ये आपको हॉर्न का देखने को मिल जाता है। राइट साइड के हैंडल बार में आपको इंजन क्यूल स्विच और सेल्फ का देखने को मिल जाता है। पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से सीट पे बैठेंगे तो दिखाई देगा फ्रंट से। तो कुछ इस साइड से दिखाऊं तो इस तरह का है। तो चेंजिंग के बारे में तो सबसे बड़ा जो कि है आपको अलॉय व्हील में देखने को मिलेगा और इंडिकेटर में देखने को मिलेगा, जो कि LED इंडिकेटर लगाया गया है। उसके बाद आपको सीट में देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल टोन सेट में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट बनाया गया है, बताया जा रहा है यामा की तरफ से, जो कि कंफर्टेबल सीट है। तो ये चीज़ें भी डुअल टोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी 3 कलर को लॉन्च किया है, तो जैसा कि रेड और ब्लैक में आप देख सकते हैं डुअल टोन सेट में आपको सीट वगैरह देखने को मिलता है। बट जो ग्रे कलर है उसमें सिंगल पीस आपको सिंगल सीट तो मिलता ही है, साथ में उसमें सिंगल कलर सीट पे देखने को मिलता है। तो इन दोनों में आपको सीट में भी चेंज देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगर हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेड कलर का ही पूरा ये काउल वगैरह देखने को मिलता है। इस पर कुछ भी स्टिकरिंग या कुछ भी चेंज नहीं किया गया। और फिर अगर थोड़ा सा हम बैक साइड चलें तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि LED टेल लाइट देखने को मिलता है, जो कि ये MT15 वाला इसमें लगाया गया है। पहले इसमें हेलोजिन वाला आता था। देखिए मैं दिखाता हूँ हेलोजिन वाला, यहाँ पे बाइक खड़ी है, थोड़ा सा जगह कम। तो यहाँ पे देख सकते ये पहले आता था, अभी कंपनी ने चेंज करके इसमें यामा के MT15 जैसा टेल लाइट दे दिया है। तो ये LED में है, तो अभी हम इसको करते हैं ऑन। तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है, देखिए तो ये नज़र आता है कुछ इस तरीके से। और बैक साइड में भी आपको हेलोजिन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, इसको भी आप चेंज करवा सकते हैं, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। और बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, ये आपको हेलोजिन में नंबर प्लेट के पे जो लाइट जाता है ये आपको हेलोजिन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड में, ये अभी आपको रिफ्लेक्टर हो जाते हैं। और अभी हम फिर से इस साइड थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो जिसके वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद देखने को मिल सकता है। तो अभी फिर यहाँ पर चले तो आपको बैक साइड में भी देखने को मिलेगा गोल्डन कलर का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। और टायर साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 140 90 17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। C8 का ही आपको, एक मिनट, C8 जूम का ही आपको टायर देखने को मिलता है, C8 जूम रैप का। तो ये है, बाकी इसमें पीछे में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ये आपका मडगार्ड के लिए हो जाता है। हगर जो कि है काफ़ी ब्रॉड बनाया गया है, काफ़ी इसमें लुक में अच्छा होता है, और बरसात के टाइम ये काफ़ी मदद देता है। बैक साइड में जो भी बंदे बाइक चलाएंगे उनको छींटे नहीं आएगा, और यहाँ से भी जो उड़ के छींटा आता है वो भी छींटे वगैरह नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे हो जाता है इसका एग्जॉस्ट, जो कि प्लास्टिक में आई थिंक लग रहा है, ये थोड़ा सा मेटल में लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पर आपको पिलियन का फुट पैक्स हो जाते हैं, ये राइडर का फुटपैक्स, ये आपका ब्रेक हो जाता है। इंजन पे यहाँ पे आपको यामा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, साथ ही ये FI है, और इसमें जो पावर वगैरह बिल्कुल पहले की तरह सेम रखा गया है। आपको 12.4 PS का पावर मिल जाता है और 13.3 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें जो कि है, एक साइड में इस साइड आ जाओ, तो यहाँ पे आपको बता दूँ इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको जो साइड स्टैंड सेंसर होता है वो लगा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इस साइड में आप चलें तो इस साइड में आपको साड़ी गार्ड वगैरह देखने को मिलता है, यहाँ पे पिलियन का फुट पैक्स हो जाता है, और यहाँ से आप इसके सीट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस कलर को कवर किया है। इसका जो ऑन रोड प्राइस आएगा दिल्ली का वो है 1,40,203 रुपये। तो ये आपका ऑन रोड होने वाला है।